एक बार फिर से थैंक्स मिकी मुझे अपना टूथब्रश यूज करने देने के लिए। यू आर वेलकम। क्या तुमने होमवर्क कर लिया? सेम पिंच टच वुड, जल्दी से लकड़ी को टच करो। ओह शिट, मुझे यकीन नहीं होता कि हमने सेम टू सेम बोल दिया। कम ऑन रिया, जल्दी करो, तुम्हें इस टाइमर को खत्म होने से पहले किसी लकड़ी को टच करना होगा। हाँ मुझे पता है, पर मुझे आसपास एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं दिख रहा है। रुको, शायद मेरे बैग में पेंसिल होगी। जल्दी करो मिकी, टाइमर खत्म हो रहा है। मेरे बैग में पेंसिल नहीं है। नो, तो क्या इसका मतलब है कि अब मैं राहुल? प्रेजेंट मैम। मिंकी? प्रेजेंट मैम। रिया? रिया मैम, रिया हमारे साथ नहीं है। हाँ मैंने इसे पहले बोला था, अब तुम्हें लकड़ी पर नॉक करना होगा। नहीं, तुमसे पहले मैंने इसे बोला है। नहीं, तुमसे पहले मैंने इसे बोला है, तुम सेम पिंच हुई हो। नहीं मैं नहीं हूँ, और अगर मैंने वोट को टच कर लिया और मैं सेम पिंच नहीं हूँ तो मैं मर जाऊंगी। आई गेस हमें बस पता चलने ही वाला है कि तुम दोनों में से वो कौन है जो एक्चुअली में सेम पिंच हुआ है। 3, 2, 1। हाँ मुझे पता था कि मैं सेम पिंच नहीं हूँ। क्या कोई बॉडी पिकअप पेट्रोल को बुलाएगा? हाय मॉम, हाय चिंकी। तो मिंकी बेटा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा नहीं था रिया, और मैंने सेम पिंच कर लिया और वो टाइम रहते वुड को टच नहीं कर पाई। ओह माय गॉड, रिया तो बहुत अच्छी लड़की थी। सेम पिंच मम्मी टच वुड। ओप्स, तुमने तो मुझे पीछे ही छोड़ दिया चिंकी। मम्मी जल्दी से वुड को टच करिए। हाँ मम्मी आप भूल रही हैं, आपको वुड को टच करना है। रिलैक्स बच्चो, मम्मी जल्दी करिए, टाइम जा रहा है। मम्मी लो हो गया। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, ये कोई मजाक नहीं है। ओह नो, मुझे तो यकीन नहीं होता कि आज मैं इतनी देर तक सो गई हूँ। आज तो मैं स्कूल के लिए बहुत लेट होने वाली हूँ। तो मुझे बहुत डर। Excuse me, pinch touch wood. Shit, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। हाँ, हो गया। हाँ, ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ये जमीन पत्थर की है ना कि लकड़ी की, और तुम्हें असली लकड़ी को टच करना होगा। हाँ, हटो मेरे रास्ते से। हो गया। मिस मिंकी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका ऐसा क्लास को डिस्टर्ब करने का क्या रीजन है? मेरे पास रीजन है मैम, अगर मैं यहाँ नहीं आई होती तो मैं मर चुकी होती। ओके, खैर जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठो। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मिस तो नहीं किया ना? यू मीन स्कूल से रिलेटेड? नहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या मैंने कोई गॉसिप मिस कर दिया? राहुल आयशा के साथ सेम पिंच्ड हो गया और आयशा हार गई। नो वे। नहीं नहीं, उसके बाद जो हुआ वो और भी बुरा था, जब कबीर फूट फूट कर रोने लगा। और मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं इसकी आंखें ना बाहर आ जाए, क्योंकि उसका और आयशा का सीक्रेट अफेयर चल रहा था। वो आयशा तो एक नंबर की चुड़ैल थी। गर्ल्स कीप क्वाइट। तो क्लास, क्या किसी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो सकता है? 4927 करेक्ट है। टच फुट। ये मेरे सर के ऊपर काउंटडाउन क्यों चल रहा है? मिंकी, प्रिया ने तुम्हें सेम पिंच किया है। नहीं उसने ऐसा नहीं किया है। हाँ मैंने किया है, मुझे पूरा यकीन है मिंकी कि उसने ऐसा किया है, पर मैंने तुम्हें सुना नहीं। हम दोनों सेम पिंच हुए हैं, आई स्वेयर। कम ऑन मिंकी, जल्दी से वुड पर टच करो। क्या तुम लोग मिलकर मुझ पे कोई प्रैंक कर रहे हो? क्योंकि तुम दोनों को पता है कि अगर मैंने वुड पर नॉक कर दिया और मैं सेम पिंच नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मैं ऐसी बातों पर कभी मजाक नहीं कर सकती। मिंकी हम सच बोल रहे हैं, प्लीज कम ऑन जल्दी से वुड पर नॉक करो। थैंक गॉड कि तुम सेफ हो। तुम तो सच में झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि मैं ऐसी बातों पर कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैंने आज तक बस एक ही बारे में झूठ बोला है, अपने नेबर को जान से मारने के बारे में। ओह माय गॉड प्रिया, ये बात तो काफी सस्पिशियस है। खैर। ओह हाय चिंकी। हाय मिंकी। तो कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? सेम पिंच टच वुड। ओह शिट, कम ऑन चिंकी, जल्दी से कार से बाहर निकलो, जाकर वुड को टच करो। हाँ जाती हूँ। थोड़ा तेज भागो चिंकी। हाँ, मैं भाग तो रही हूँ, चिंता मत करो, मुझे कुछ लकड़ियाँ दिखाई दी हैं। हाँ, ये क्या मिंकी, लकड़ी तो तुम्हारे सामने ही पड़ी है। चिंकी रुको, वो लकड़ी नहीं। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास लकड़ी के टुकड़े हैं? लगता है कोई सिस्टम को चीट करना चाहता है। नहीं, पर आज मैंने किसी ऐसे इंसान को खोया है जो मेरे दिल के बहुत करीब था, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ आसपास एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, और मैं फिर से ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा डियर, पर जैसा कि तुम्हें पता होगा हम कई सालों से लकड़ियाँ नहीं बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, थैंक्स। रुको, तुम्हें यहाँ तो कुछ नहीं मिला, पर हो सकता है कि इस एड्रेस पर जाके तुम्हें एक वुड कीचेन मिल जाए। ये क्या है? ये उस लेडी का एड्रेस है जो अपने बेसमेंट से लकड़ियाँ निकाल के उनका कीचेन बना के लोगों में बेचती है, और हो सकता है कि तुम्हें भी वहाँ जाके कुछ मिल जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम ये कार्ड किसी को भी नहीं दे सकती। तुम्हें ये किसने दिया है? ये कार्ड मुझे खुद उस लेडी ने दिया है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं मैम, क्या इनमें कोई प्रॉब्लम है? चुपचाप इन सबको फाड़ के फेंक दो। ओए मैडम, कहाँ थी आप? मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है, और आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आने वाली है। मुझे ऑलरेडी पता चल गया है कि तुम्हारी बहन सेम पिंच गेम में हार गई है, बॉडी पेट्रोल टीम आई थी यहाँ। आई विश की बस यही बात होती, पर कुछ और भी बात है। मिंकी क्या हुआ है? इट्स ओके मिंकी, तुम मुझे बता सकती हो, बताओ क्या बात है? डैड जेल से बाहर आ गए हैं। क्या? अरे तुम्हें कैसे पता? क्या वो तुम्हारे स्कूल आए थे? क्या उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी? नहीं नहीं, पर आज मैं एक स्टोर पर गई थी और वहाँ की वर्कर ने मुझे ये दिया।
ओह, तो वो जेल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपना फेक वुड की चेन बनाने का काम फिर से चालू कर दिया है। और ये तो वही सेम एड्रेस है जहाँ वो पहले काम किया करते थे। हाँ, मुझे इसी तरह से पता चला, वो सच में पागल हो चुके हैं। वो फिर से पकड़े जाएंगे और अगर वो इस बार पकड़े गए तो उन्हें जेल से वापस बाहर निकलने भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या आपको भी नहीं पता था कि वो बाहर आ गए हैं? बिल्कुल नहीं मिंकी बेटा, हमें उन्हें पकड़वाना होगा। हम उन बेकसूर लोगों को बेवकूफ नहीं बनने दे सकते। उन सबको तो यही लगेगा कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब वो सेफ है क्योंकि उनके पास एक वुड की चेन है। क्योंकि उन बेचारों को ये बात कभी पता ही नहीं चलेगी कि वो फेक वुड से बना हुआ है और जब तक ये बात रियलाइज होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मम्मी, एक और बात है। अब क्या बात है मिंकी? उस स्टोर वर्कर ने बताया था कि ये कार्ड उसे किसी लेडी ने दिए थे। मुझे नहीं लगता कि डैड इस बार अकेले काम कर रहे हैं। क्या तुम श्योर हो कि उसने लेडी ही बोला था? मैं 100% श्योर हूँ। और मैं भी ये सुनकर हैरान थी। फिर तो मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। क्या आप श्योर है कि आप पुलिस को कॉल करना चाहती हैं? हाँ, लास्ट टाइम मैंने उन्हें टाइम पे कॉल नहीं किया था जिसकी वजह से कितनी मासूमों की जान चली गई थी और उस बात का रिग्रेट मुझे आज तक है। क्या आपने किसी को बुलाया है? नहीं तो मैं जाकर देखती हूँ। सेम पिंच। मम्मी, आपने ये क्यों किया? मुझे माफ कर दो मिंकी बेटा, पर अब मैं तुम्हें वुड पर नॉक नहीं करने दे सकती। क्या? हटिए मेरे सामने से। मम्मी, मम्मी आप ये क्या कर रही हैं? वो देखिए उड़न खटोला। कहाँ कहाँ हो गया? हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मिंकी बेटा। आपका मतलब क्या है? आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कैसे कर सकती हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मिंकी मिंकी मिंकी, तुम कितनी मासूम हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा जेल से बाहर नहीं आए हैं? वो अभी भी अंदर ही हैं। और वो अंदर ही रहने वाले हैं, वो भी काफी लंबे, मेरा मतलब है काफी लंबे समय के लिए। मम्मी, आपने क्या किया है? ये सब मैंने ही तो किया है। उन फेक फुट की चेन्स का काम मेरा ही है। हाँ, मानना पड़ेगा मैं सच में जीनियस हूँ जो मैंने इतने लाखों लोगों को अपने जाल में फंसाया और उन फेक वुड किचन्स को बेचा। और तो और मैंने इन सब में तुम्हारे पापा को फंसा दिया। और इतने सारे लोगों की मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मुझे पता था कि तुम मेरे काम को कभी अप्रिशिएट नहीं करोगी। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मुझे ये घर चलाने के लिए किन चीजों से गुजरना पड़ता है? मैं मानती हूँ कि उन मासूमों को ऐसे मारने का आइडिया अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कि वो लोग मुझे उस झूठी उम्मीदों से भरे हुए किचन के कितने पैसे देते हैं? BTS की टिकट के प्राइस से भी ज्यादा। अगर पापा अंदर हैं तो इतनी रात को दरवाजे पर कौन आया है? जहाँ तक ये पोस्टमैन आया होगा, मुझे और किचन्स की जरूरत है। कौन है? हाय मिंकी। प्रिया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर नहीं आई हो। मैं यहाँ तुमसे एक जरूरी काम से मिलने आई हूँ। देखो, अगर ये तुम्हारे नेबर को मारने वाली बात से रिलेटेड है तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं वैसे भी बहुत चीजें झेल रही हूँ। ये उस बारे में नहीं है। अगर मुझे उस बात की चिंता होती तो मैं अब तक तुम्हें अपनी कार से उड़ा चुकी होती। क्या? और उसके बाद तुम्हारी बॉडी को दूर किसी जंगल में दफना देती। ओके, वैसे भी मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं लेनी है। हाँ, तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। देखो प्रिया, तुम्हें सच में इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम से उनसे उनका फेक वुड किचन खरीदा था। ओह, आई एम सो सॉरी प्रिया। क्या वो, तुम्हें पता है क्या वो? नहीं, वो जिंदा है। ओह थैंक गुडनेस। उनके पास में असली लकड़ियाँ पड़ी हुई थी इसलिए वो टाइम रहते उन पर नॉक कर पाई थी। ओके, तो मैं फिर से पूछती हूँ कि तुम यहाँ आई क्यों हो? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम इस बात से अनजान तो नहीं हो कि तुम्हारी मम्मी ये सब कर रही हैं। हाँ, मुझे पता है, पर मुझे ये जस्ट अभी पता चला है। मैं इसे संभाल लूंगी। मुझे माफ कर देना, आई थिंक अब उन लोगों को अंदर बुला लेना चाहिए। ऑफिसर्स, पकड़ लो उसे। FBI, हैंड्स अप। हाँ, ये कब हुआ? प्रिया, क्या तुम FBI के लिए काम करती हो? हाँ, अपने फ्री टाइम में। वेल, क्या आपको पता है कि ये प्रिया पे कुछ कम नहीं है? अभी ठीक 5 मिनट पहले इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। प्रिया बहुत धीमे बोलती है, हमें माइक में उसकी आवाज नहीं आई, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वेल, इसने ऐसा किया है। मैं बेकसूर हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या तुम्हारी मॉम अंदर है? ठीक है, चलो सब एक साथ। मॉम, आप इनके सामने कुछ भी मत बोलना, ओके? मैं आपके लिए एक अच्छा सा लॉयर लेकर आती हूँ। मिंकी बेटा, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ऑफ कोर्स मैं करती हूँ मम्मी, प्लीज एक बार बोल के दिखाओ। आई लव यू। सेम पिंच टच वुड। मम्मी, जल्दी से वुड को नॉक करिए। ऑफिसर्स, जल्दी से उनको वुड पर नॉक करवाइए। मैं ठीक हूँ मिंकी बेटा, प्लीज मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। नहीं मम्मी, प्लीज वुड पर नॉक करिए। मॉम, कम ऑन, अपना ख्याल रखना। नो। तो अब हम उन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़कर गई हैं। क्या तुम इसे करने के लिए रेडी हो? हाँ, यही सही वक्त है। ऑलराइट देन, तो जो वो मेन चीज तुम्हारे लिए छोड़ के गई है वो है उनकी कंपनी। उनकी किचन कंपनी? नहीं नहीं, उस काम के लिए तो उनके पास कभी कोई लाइसेंस था ही नहीं। ऑफ कोर्स, ये लो, तुम खुद ही देख लो कि उन्होंने तुम्हारे लिए कौन सी कंपनी छोड़ी है। सेम पिंच को? ये क्या है? सीधी बात पर आते हैं, तो अब ये गेम तुम्हारे हाथ में है। मेरे? बेसिकली अब इस गेम को पूरी तरह से तुम कंट्रोल करोगी। अगर तुम इस गेम की टाइम लिमिट चेंज करना चाहती हो तो तुम वो कर सकती हो, या फिर तुम ये भी कंट्रोल कर सकती हो कि लोगों को मरने से पहले कितनी बार सेम पिंच होना जरूरी है। अब से तुम इस गेम में सब कुछ कंट्रोल कर सकती हो। I mean, सब कुछ। ओह माय गॉड, अगर मेरी मॉम ने इस गेम को बनाने में कंट्रीब्यूट किया था तो वो एक बहुत बुरी इंसान थी। मे बी, पर साथ ही साथ वो एक जीनियस क्रिएटिव माइंडेड लेडी थी।
इसे शट डाउन कर दो। देखिए मैम, मुझे पता है कि ये आपके लिए, मैंने कहा इसे शट डाउन कर दो। कैसा रहेगा अगर हम एक बार इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में शांति से बैठ के डिस्कस कर लें? मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फाइन, पर इससे पहले कि तुम इसे शट डाउन करो, तुम्हें एक बार पता होना चाहिए, अगर तुमने इस गेम को शट डाउन कर दिया तो तुम